नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि कपास के खेतों में आपको खाद कितनी डालनी है। तो किसान भाइयों, यूरिया आपको डालनी है 60 से लेके 90 केजी के बीच में। डीएपी आपको प्रयोग करनी है 20 से लेके 25 केजी प्रति एकड़। एसएसपी जो किसान भाइयों सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो आपको 70 से लेकर 75 केजी प्रति एकड़ डालनी है। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है मैग्नीशियम सल्फेट की, वो किसान भाइयों आपको 20 से लेकर 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको म्यूरेट ऑफ पोटास है, जो कि MOP के नाम से किसान भाइयों आपको मिलती है, वो आपको 15 से लेकर 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। जिंक किसान भाइयों आपको मार्केट में दो तरह की उपलब्ध होती है, एक आती है 21% जिंक और एक आती है 33%। अगर आप 21% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हो तो आपको उसकी मात्रा 10 केजी प्रति एकड़ रखनी है। अगर आप 33% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हो तो उसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 5 से लेके 6 या 6.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए।